सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई रेल विकास निगम लिमिटेड आरविनल, साथ में डिस्कस करेंगे भी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और इरकॉन इंटरनेशनल। आप लोग देखोगे भी जो रेलवे स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी शानदार मोमेंटम हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो रेल विकास निगम लिमिटेड हो, जहाँ पर कंपनी को वीकेंड के प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बाद, ठीक है, मार्केट क्लोजिंग के बाद तीन बड़े ऑर्डर मिले थे, जो स्टॉक आपको 3% ऊपर में ओपन होते हुए नजर आया। और अभी के टाइम आपको जो अभी ये 3.5% के आसपास तेजी में दिखाई दे रहा है, 4 से 4.5% के आसपास स्टॉक आई थिंक ऊपर में उछला, तो काफ़ी शानदार रैली स्टॉक में देखने को मिली। दूसरी तरफ आप लोग देखो इरकॉन इंटरनेशनल अभी के टाइम 2% के आसपास जबरदस्त तेजी में है, और IRF से भी अगर देखा जाए तो 2% के आसपास तेजी में है। आप लोगों के मन में एक ही सवाल, आखिरकार शेयरों में तेजी क्यों? आप लोग मार्केट देखो भाई, आज से न्यू सीजन का जो अभी न्यू ईयर का एक मंथ स्टार्ट हो गया है, हमारे हिसाब से अगर देखा जाए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो भाई देखो ये चौथा महीना है, लेकिन गवर्नमेंट इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला मंथ है, ठीक है। आपको पता होगा अभी अब मार्च क्वार्टर ख़त्म हो गया, उसके रिजल्ट्स आने हैं, न्यू क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा आज से, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आगे आएंगे, नहीं अप्रैल के जो रिजल्ट्स हैं वो आगे आएंगे। तो अभी के टाइम आप लोग देखोगे इन शेयरों में कैसा माहौल बनेगा आगे के लिए, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आरविनल में आप लोग देखोगे, मैंने क्या बोला, इंट्राडे अगर आपको करना है तो ओपनिंग अगर इसकी 2% के नीचे में हो तो ही ट्राई करना, अगर स्टॉक 3% या 2% के ऊपर में ओपन हो रहा है तो वहाँ पर इंट्राडे का कोई माहौल नहीं है भाई, ठीक है। और इसके चांस थे भाई कि 3% के आसपास ओपन हो, 2.5% के आसपास ओपन हो, क्योंकि तीन बड़े ऑर्डर 303 करोड़ के ऑर्डर मिले थे कंपनी को, उस कंडीशन में स्टॉक की ओपनिंग हमें 3% के आसपास देखने को मिली, और अभी के टाइम स्टॉक 3.5% के आसपास तेजी में है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से होगा, थोड़ा बहुत दबाव आएगा। दूसरी तरफ आप लोग देखोगे भी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, मार्केट में शानदार रिकवरी, ठीक है। मार्केट में देखा आपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान तो लास्ट में एकदम से मार्केट टूटा, लेकिन आज गैप अप ओपनिंग और वो सारी जो दूरी थी, सॉरी जो सारी गिरावट थी वो सारी कवर कर ली आज सुबह सुबह ही। उसके बाद आप लोग देखोगे जो इरकॉन है इसमें भी मार्केट की वजह से ही तेजी बन रही है, तो इन शेयरों में पीछे जो करेक्शन हुआ था अपने हाई से वहाँ तक भी स्टॉक जाएंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम जो ना भी वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, टाइम जरूर लगेगा, बट उस लेवल तक ये स्टॉक जरूर जाएंगे। तो पैनिक नहीं होना है, जैसा है वैसा अपने पोर्टफोलियो में इन्हें सजा कर रखिए भाई, ठीक है। चाहे वो NHPC हो, SJVN हो, ठीक है, इरकॉन इंटरनेशनल हो, IRFC, आरविनल हो, इन सभी शेयरों में अगर आपकी होल्डिंग है तो बनाए रखो, बेचने की गलती मत करना। रिजल्ट से पहले मार्केट में जो फॉल बना ये एक बड़ा मौका था, और ये मौका आई थिंक आपने इसका खूब फायदा उठाया होगा भाई, ठीक है। जो भी भाई ऊपर के भाव से फंसे थे उनके लिए भी सही टाइम था नीचे में एंट्री लेने का, या फिर जिन्होंने एंट्री नहीं ली नीचे के भाव से फिर खरीदारी की है तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन बहुत से मार्थी अब आएंगे कि अब खरीद लें, देखो भाई स्टॉक नीचे से कितना रिकवरी ले गया है, आप लोग 5 दिन में देखोगे तो 7% के लिए उछला है, वहीं आप लोग देख सकते हो भी अपने नीचे के लेवल से जो स्टॉक है वो 17% उछल गया है। अभी जो पीछे करेक्शन बना था अभी स्टॉक में आपने देखा होगा लगभग एक बिग फॉल आया था नीचे में, ये स्टॉक भी आ गया था भाई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 220 रुपये के आसपास आ गया था 13 मार्च को, फिर वहाँ से जो रिकवरी आई है वो आपके सामने है, ठीक है। तीनों के तीनों शेयरों में, चाहे वो IRFC हो, IRFC में भी आप लोग देखोगे एक ज़बरदस्त रिकवरी जो हमें देखने को मिली है यहाँ से, वो देख सकते हो भी लगभग जो शेयर 17% उछला 13 से लेकर 1 अप्रैल के बीच तक। उसके बाद इरकॉन इंटरनेशनल भी देखोगे, इरकॉन इंटरनेशनल में भी ज़बरदस्त रिकवरी आई है भाई, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो भी ये 13 तारीख से लेकर अब तक यहाँ पर 20% प्लस रिकवरी। तो इन तीनों शेयरों में बहुत शानदार रिकवरी बनी है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप मिड कैप में बिलोंग करते हैं उनमें रिकवरी आई है। तो चलिए एक बार इनका चार्ट देख लेते हैं, वहां पर क्या कुछ आगे के मूव हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी आरविनल में ऊपर के भाव से थोड़ा बहुत नीचे में स्टॉक आया है, लेकिन 277.90 रुपये के आगे के टारगेट के लिए हमारी एंट्री है, जिसको रिस्क नहीं लेना है स्टॉक के अंदर ज़्यादा, वो 253 के सपोर्ट के साथ चल सकता है,
ठीक है भाई। हाँ रिस्क नहीं लेना है तो नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। ठीक है स्टॉक में वैसे भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है, यहाँ पर देख ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उसके बाद स्टॉक ऊपर में सस्टेन किया है, यहाँ से चांस तो देखो भाई ऊपर जाने के ही है। ठीक है आगे रिजल्ट्स भी आएंगे, कंपनी काफ़ी अच्छे ऑर्डर विन कर रही है, वैसे स्टॉक ऊपर से आप लोग देखो काफ़ी ज़्यादा दबाव में रहा है, फिसला है, तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिला भी उसी वजह से, तो यहाँ से रिकवरी के चांस काफ़ी ज़्यादा है। नीचे में सपोर्ट अभी के टाइम जो बना 253 का और ऊपर में 277 रुपये तक के मूव स्टॉक में आने की संभावना है। ठीक है तो चलिए अब देखते हैं सेकंड। तो यहाँ पर भी आप लोग देखो सेम कंडीशन, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में काफ़ी शानदार रिकवरी बन रही है, 135 का नीचे में सपोर्ट है, टारगेट ऊपर में 164। ठीक है तो यहाँ पर ये मूव हमें देखने को मिलेंगे, शॉर्ट टर्म करना चाहो, स्विंग ट्रेड करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है तो चलिए अब देखते हैं सेकंड। सेम कंडीशन, यहाँ पर भी काफ़ी शानदार रिकवरी बनी है और बहुत से भाइयों को लगा कि देखो भाई यहाँ पर ब्रेकआउट है उसके बाद स्टॉक फिर टूटना स्टार्ट हो गया। भाई अपने दिमाग से थिंकिंग जो आपकी है वो सोच वो निकाल दो कि हम जहाँ से खरीद रहे हैं बस उसकी जो लाइफ है बस वहीं से स्टार्ट है, वहीं से जो ना भी वो जो भी हमारी कंपनी में पैसा है वो बस वहीं से जन्मी है, वहीं से जो ना भी उपज हुई उस कंपनी की और वहीं से आगे चलेगी। नहीं, उससे पहले भी उसकी कुछ ना कुछ लाइफ थी। तो यहाँ से भी बहुत से निवेशक आए हैं, यहाँ पर क्या वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे क्या? यार अपने जो दिमाग से जो थिंकिंग है बस ये निकालो। ठीक है अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल कर रखो चौतरफा। ठीक है यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक नीचे आया, बोले सपोर्ट टूट गया, भाई सपोर्ट टूटते ही सॉरी बनते ही टूटने के लिए, रेजिस्टेंस है बनते ही टूटने के लिए। ठीक है तो इसलिए ये प्राइस एक्शन के हिसाब से होते हैं, नहीं कि भाई देखो जो सपोर्ट निकाला बस वहीं से स्टॉक आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, बस ऐसा नहीं होता है। ये पीछे से थोड़ा बहुत जो लॉस होता है उसको थोड़ा बहुत कम करने के बारे में होते हैं। ठीक है ऊपर में रेजिस्टेंस होते हैं वो सेटिस्फाइज मिलता है वहाँ से उस चीज़ को देखते हुए, और वहीं से जो पब्लिक है वो दौड़ती है एंट्री के लिए, तो इसलिए ब्रेकआउट्स आते हैं। ठीक है तो यहाँ पर अभी टाइम आप लोग देखोगे ब्रेकआउट है, स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर में है, लेकिन जिसको रिस्क नहीं लेना अभी 217 का नीचे में सपोर्ट है। ठीक है और ऊपर में टारगेट 240 का रहने वाला है, आपके हाथ में भी रिस्क और जो प्रॉफिट्स है जो कुछ भी है वो आपके खुद को मैनेज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।